हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब आपको तीन अलग अलग मैट्रिक्स दिए हुए हैं एंड इक्वल्स टू सामने आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट है वो आपको एक्स दिया हुआ है और दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई का सम है, सिंपल सम है बहुत ही। सो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 × 3 9, 2 × 0 0, 1 × 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 × 0 0, 9 × 2 18, 9 × 1 18, एंड नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 × 2 6, 2 × 4 8, 1 × 0 0, देन 1 2 5। एंड जो सामने वैल्यू है दैट इज वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू टू तो ये हो जाएगा 2x, 2 × 0 0, 1 × 1 1। सो 1 2 5 सेम रखते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, 9 + 1 10, 9 and 18 27, एंड 6 and 8 14 इज इक्वल्स टू, सेम सामने मैट्रिक्स है, 2x + 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इनसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही रो है एक ही कॉलम है, सो 10 × 1 10, 27 × 2 54, एंड 14 × 5 70 इज इक्वल्स टू 2x + 1। नाउ इन तीनों का टोटल करेंगे, 70 + 10 80, 80 + 54 134, सो देयरफॉर 134 इज इक्वल्स टू 2x + 1, प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा, सो 134 - 1 इज इक्वल्स टू 2x, सो देयरफॉर 133 इज इक्वल्स टू 2x। सो x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 133 डिवाइड बाय 2, सो फाइनली x इज इक्वल्स टू 133/2, सो 66.5। मैंने आपको कहा छोटा सा सम है 53, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। अब अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ये लेक्चर देखेगा तो नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आगे वाले लेक्चर्स और मल्टीप्लाई के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसमें फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ, 3 को 3 के साथ 9, 2 × 0 तो 0, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, सो 9 + 1 10 हो जाएगा। ऐसे आपको मल्टीप्लाई के रूल्स समझने हैं। सो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 53। आज मैं आपको होमवर्क कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, यही लेक्चर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।